इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आज कर्नाटक राज्य संघ हसरूते ने कन्नड़ और दलित तंजीमों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ बेलगाम बागलकोट हाईवे पर एहतजाज कर सड़क को रोक दिया गया। सोयाबीन को क्विंटल 10,000 रुपये कीमत देने की भी मांग की गई। रियासत भाजपा और मरकजी मोदी हुकूमत ने किसानों के खिलाफ तहरीक चलाई है। रोजमर्रा की चीजों को और पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान है, लिहाजा फौरी तौर पर महंगाई को कम करें ताकि कंपनी की जानिब से घटिया बीज किसानों को फराहम किए गए, जिस पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग किसानों की जानिब से की गई और 80,000 रुपये फी एकड़ इमदाद देने का भी मुतालबा किया गया। इस वक्त सड़क को रोकने की वजह से काफी देर तक गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। किसान कायद रवि सिद्धनावर ने कहा कि भाजपा हुकूमत किसानों को अमीर सरमाएदारों के हाथों बेच देना चाहती है और पूरे मुल्क को निजी कंपनियों का गुलाम बनाना चाहती है। इस वक्त कसीर तादाद में किसान मौजूद रहे। 10वीं इम्तिहान में स्कूल की फीस अदा ना करने पर इम्तिहान को ना बैठने देने वाली तलबा सप्लीमेंट्री इम्तिहान में बैठकर पूरी रियासत में पहला नंबर हासिल कर सभी को ताज्जुब कर दिया। मुड़बिदरी गांव की 10वीं की तलबा ग्रीष्मा नाइक, जो एक गरीब घर से ताल्लुक रखती है, गरीबी की वजह से स्कूल की फीस अदा ना कर सकी तो इसे स्कूल वालों ने इम्तिहान में बैठने से मना किया, लेकिन सप्लीमेंट्री इम्तिहान में बैठकर सभी को ताज्जुब कर दिया। 599 मार्क हासिल कर रियासत में पहला नंबर लिया, जिस पर इसे मुबारकबाद पेश की जा रही। बेलगाम जिला में मकानात गिरने की वारदातें जारी है। हाल ही में बड़ा लंकलगी में घर गिरने से 7 लोगों की जान चली गई थी, लिहाजा आज फिर अगस्त के गांव में घर गिरने की खबर हासिल हुई। गिरने से पहले ही घर के तमाम अफराद वक्त से पहले दौड़कर घर के बाहर चले गए, जिसके बाद घर गिर गया, जिसकी वजह से किसी तरह का जानी नुकसान न होने की इत्तला हासिल हुई है। बीजापुर जिला में जलजलों की खबर मुस्तकिल जारी है। जिला के मुड़वाड़ नामी गांव जलजलों का मरकज बताया जा रहा है। पिछले कई दिनों से बार बार जलजलों की वारदात पेश आ रही है। आज फिर दिन में 2 बार जमीन हिलने को महसूस किया गया, लिहाजा गांव के लोगों ने हुकूमत से कहा है कि माहिरीन यहां आकर इसकी वजह को तलाश करें। इसके झटकों को बीजापुर शहर में भी महसूस किया जा रहा है। बार बार हो रहे जलजलों से यहां के आवाम में डर खौफ देखा जा रहा है। बीजापुर के एक और कोल्हार तालुका में भी जलजलों को महसूस करने की वारदात को दर्ज किया गया है। जिन लीडरों को आवाम के खिदमात को अंजाम देने के लिए बतौर नुमाइंदा चुना जाता है, वही नुमाइंदे किस तरह बर्ताव करते हैं, इसका अंदाजा आज की पूरा मीटिंग को एमएलए अभय पाटिल और एमएलए अनिल बेनके की गैर हाजिरी से ही लगाया जा सकता है। इस तरह यह भी हासिल है कि बूढ़ा सदर धुलप्पा होस्मानिया और दोनों एमएलए के दरमियान नाराजगी चल रही, लिहाजा तीसरी मरतबा शहर के तरक्याती कामों को लेकर मीटिंग तलब फरमाई गई थी, लेकिन तीसरी मरतबा भी अभय पाटिल और अनिल बेनके गायब रहे। कांग्रेस के एमएलए लक्ष्मण बाकर और सतीश जारकिड़ी मौजूद तो रहे, पर मीटिंग मुलतवी होने से किसी मीटिंग के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। अख्तदार की कुर्सी भी अजीब होती है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ का नजारा देखने को मिलता है, ऐसी चर्चा भी जारी रही। जब से निजी कंपनी एलएनटी को पानी सरबराही के साथ नलों को जोड़ने की भी जिम्मेदारी दी है, परेशानियों में इजाफा ही होता जा रहा है। आज प्लम्बर एसोसिएशन की जानिब से कॉरपोरेशन में मुतालबा पेश करते हुए कहा कि तकरीबन 300 से भी ज्यादा अर्जियां आवाम की नल जोड़ने को लेकर आई है, पर एलएनटी से राब्ता करते हैं तो कभी कॉरपोरेशन तो कभी एलएनटी के अफसरों के यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। पिछले कई महीनों से इसी तरह कार्रवाइया अख्तियार किया जा रहा है, लिहाजा जल्द हमें नल जोड़ने की इजाजत दी जाए, इसी भी मांग इन्होंने की है। इस वक्त डॉक्टर परवीन हिरेमठ भी मौजूद रहे। एमएलए सतीश जारकिड़ी और लक्ष्मी बड़कर से भी मुलाकात फरमा कर प्लम्बर एसोसिएशन ने अपनी फरियाद को दर्ज किया है। सहारा ट्रस्ट की जानिब से अंगोल झटपट कॉलोनी और रहमत कॉलोनी इंदिरा नगर यहाँ पर मुफ्त में डेंगू से बचने के ड्रॉप्स दिए गए। तकरीबन 700 से भी ज्यादा लोगों को ड्रॉप्स दिए गए। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नज़र। अरबाज कत्ल मामले में मुख्तलिफ पहलू देखे जा रहे हैं। इसे कभी मजहबी तशद्दुद का मामला कहा जा रहा है तो कभी सुपारी किलिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। पुलिस ने अपना तहकीकी पहलू उजागर करते हुए ट्विटर पर मैं जिंदा हूं की पोस्ट अरबाज के कातिलों तक पहुंचाने में मदद करने की भी बात कही गई। कुल 10 अफराधों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है। पुलिस अफसर लक्ष्मण निम्बरगी जो एसपी हैं, उन्होंने मुजरिमों के हर हाल में सजा होने की बात कही, लेकिन ऐसे कई मामले भी देखे जा चुके हैं
जब खूंखार मुजरिम भी अदालत से छूट जाते, अवाम की राय है कि अरबाज के कातिलों को फांसी या सजाए मौत दी जाए, क्योंकि जिस तरह दिल दहला देने वाला कत्ल इन्होंने अंजाम दिया है तसव्वुर भी नहीं कर सकती। पुंडलिक महाराज ने लड़की के वालिद से 5 लाख की सुपारी लेने की बात सामने आ रही और इसे पुलिस तफ्तीश में कबूल भी की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर मकतूल की वालिदा नाजमा शेख के पास भी उन्होंने रुपए मांगे। जिस दिन वालिदा के साथ खानापुर को अरबाज गया था उस वक्त 1000 लोग आप लोगों को मारने के लिए सर्कल में खड़े हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए। अरबाज की वालिदा नाजमा शेख ने अपने बयान में ये भी बताया कि पुंडलिक महाराज और प्रशांत दोनों रामसेना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं। तालुका अध्यक्ष कहता है कि हम एसिड फेंक देंगे, 40 मुकदमे हैं। एक और सही की बात, अगर वो करता है तो आखिर इसके पीछे वो कौन सी ताकत है जिसके बुनियाद पर इतने बड़े जुर्म बेखौफ अंजाम दिया जाता है। कत्ल की साजिश बहुत पहले ही तैयार की गई थी और इस कत्ल से बचने के लिए भी मंसूबे तैयार किए गए थे। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ मुजरिम जानबूझकर सीसीटीवी के सामने घूमते नजर आ रहे थे ताकि अपने आप को मैं यहाँ था कह सके। वैसे पुलिस को और भी मुजरिमों की तलाश है, कुछ फरार होने की वजह तला हासिल हुई है, लेकिन क्या कोई बेरहमी से गर्दन को जिस्म से अलग कर सकता है? कोई जानवरों को भी इतनी बेरहमी से नहीं मार सकता। पर अरबाज का कत्ल किया गया, क्या वाकई 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी या कुछ और भी है? इसकी तहकीक भी जारी है, क्योंकि लड़की के वालिद पिग्मी कलेक्टर हैं, क्या वो 5 लाख की सुपारी दे सकते हैं? जबकि 60,000 रुपए महाराज को देने की बात सामने आई है, अगर वहां भी 60,000 रुपए दिए हैं और यहाँ नाजमा शेख के पास भी पैसे मांगे हैं, तो क्या ये वाकई फिरौती का ही मामला है या कुछ और है? इसकी भी तहकीक होनी जरूरी है। अगर वह 60,000 रुपए लड़की की वालिद से वो पुंडलिक ने लिए थे तो नाजमा शेख के अरबाज के पास भी वो रुपये क्यों मांग रहा था? एक फिल्मी अंदाज में इस कत्ल को अंजाम देने की कोशिश की गई। जब घर से अरबाज को बुलाया गया और उसे वैन के जरिए खानापुर ले जाया गया तो पीछे से व्यापारी मोटरसाइकिल पर वैन का पीछा कर रहा था, इसी ने उसे खानापुर बुलाया था। महाराज के कहने पर जिसने कत्ल किया था उसके जिस्म पर लड़की के बाप इरप्पा कुंभार की कमीज पहनाई गई थी। खून से लथपथ कमीज को फिर इरप्पा कुंभार के घर में रखा गया था ताकि खुदकुशी साबित हुई तो सभी छूट गए, और मान लो कत्ल का भी मामला सामने आया तो लड़की के बाप को जिम्मेदार ठहराया जाए ताकि मुजरिम इरप्पा कुंभार को अपनी बेटी की इज्जत के लिए बाप ने जान से मार दिया। इस तरह की कहानी बनाई गई थी। यहां पर भी शक होता है कि जब पैसे लिए जा रहे हैं और 5 लाख रुपए सुपारी की बात कही जा रही है तो इरप्पा कुंभार इसमें इतना सरगर्म होने की वजह क्या थी? मतलब मंसूबाबंदी के तहत जैसे ही रेलवे ट्रैक के करीब अरबाज को बुलाया गया और नीचे उतरते ही इसे मार दिया, जिस्म के टुकड़े किए गए ताकि ऐसा मान लिया जाए कि रेल जिस्म से गुजरने से टुकड़े हुए हैं। इस कत्ल को कितने भी पहलू दिए जाए लेकिन जो कत्ल हुआ है इंसानियत को शर्मसार करने वाला। फिलहाल मुजरिम गिरफ्तार तो हुए हैं, अभी अदालत में जाने के बाद चार्जशीट मुकम्मल होने से लेकर सुनवाई तक कई मामले सामने आना बाकी है। सबसे अहम किसी हाल में जो भी मुजरिम पकड़े गए उन्हें सजा हो। ओखलाओं की जिम्मेदारी है कि कई मुजरिमों की जानिब से कोई भी वकालतनामा या मुकदमा ना ले ताकि समाज में ऐसे नासूर ना पनपने पाए, फिर वो महाराज हो या व्यापारी हो। बाज़ औक़ात ऐसे खूंखार मुजरिम छूट जाते हैं क्योंकि गवाही के लिए कोई आगे नहीं आता या गवाही देने से लोग डरते हैं, लिहाजा इस मामले की संजीदगी को देखते हुए जल्द फास्ट ट्रैक के जरिए मुकदमे को 6 महीने में मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, ऐसे अवाम की मांग है। समाज के बड़े हिस्से को आगे आने की जरूरत है। किसी एक समाज का कहकर खामोशी की कीमत आगे पूरा समाज को भुगतनी पड़ती है। पुलिस ने तो गिरफ्तार भी किया और सही तफ्तीश भी की, पर आगे अदालत अरबाज की वालिदा को इंसाफ दिलाए। पूरे देश में खानापुर की इस कत्ल की चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि टीवी में डिबेट किए गए। उम्मीद करते हैं कि आगे कोई सियासी दबाव या सियासी मदाखलत ना हो, क्योंकि एक माँ जिसका इकलौता बेटा जालिमों के हाथों का शिकार हो चुका है, इसे महज अकलौती माशरे का लड़का कहने वालों की घटिया सोच पर भी अफसोस होता है। और एक बड़ा तबका इसी सोच से मुतासिर होता है जिससे तकलीफ ज्यादा होती है, ना सिर्फ खानापुर बल्कि बेलगाम या पूरे मुल्क में। इंसानियत के पैगाम को आम करना है तो अरबाज के कातिलों को सजा जरूरी है। लखीमपुर हादसे में भी बेगुनाह किसानों को कार से कुचल कर भागने वाले योगी के वजीर को दबाव के चलते गिरफ्तार किया गया। आवाम को जागने की जरूरत है। आजकल कोई भी कहीं भी कानून को हाथ में लेकर इस मुल्क की जमहूरियत को लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रहा है। अगर पूरा देश इसी तरह बेगुनाहों की लाशें और कटते सर देखकर खामोश रहने लगेगी तो समझो इस देश का मुस्तकबिल अंधेरे में है। देश का आईन संविधान आज भी जिंदा है, भले ही कुछ मुट्ठी भर लोग इसे बदलने की या जलाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों का जमीर आज भी जिंदा है।
वो ये होने नहीं देंगे, लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि अक्सर समाज खामोश नजर आ रहा है, और यह खामोशी ही महाराज जैसे लोगों की सोच और फिक्र को जन्म देती है। यह खामोशी कहीं तो इस माशरे को बदलनी होगी। मुजरिम जेल जाते हैं तो इन्हें अपने जुर्म का एहसास होना चाहिए। जेल को सुधारना ग्रह यानी कि वहां पर इंसान के अंदर तब्दीली लाने वाली जगह कहा जाता है, लेकिन आजकल मुजरिम बनकर निकलने की ही वही जगह है। सियासी लीडरों को ऐसे लोगों की जरूरत होती है, इनकी VIP खिदमत अंजाम दिए जाते हैं। महज जुर्म को खत्म करने की बातों से कुछ नहीं होता, जुर्म को अंजाम देने के बाद सफेद पोश लीडरों की हिमायत मुजरिमों को जन्म देती रहती है, और यही सबसे बड़ी वजह है। मुल्क में बेरोजगारी, गरीबी, कारोबार बंद, फैक्ट्रियों को बंद करने के पीछे एक वजह यह भी है कि जब बेरोजगार होगा तभी तो जुर्म के रास्ते पर चलेगा, जिसके इंतजार में सफेदपोश लीडर होते हैं जो धर्म के नाम पर भड़काकर खून खराबा कत्लगारदगिरी का सबक पढ़ाकर कुछ रुपए हाथ में थाम देते हैं। भूखे पेट में धर्म का नशा होता है तो और भी खतरनाक होता है। लिहाजा अरबाज के कत्ल से कई सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब भी इसी माशरे को तलाशना होगा, वरना इन वारदातों को रोकना मुमकिन नहीं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।